लगता है मम्मी जी आज ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ ठंडी तो बहुत ज्यादा पड़ने लग रहा है, इसीलिए तो आग के सामने बैठ के सेकाई दिन भर करते रहो और कोई काम नहीं। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाएं, क्या खाएंगी आप? अरे मैं क्या खाऊंगी, बेटे से पूछ लो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। अच्छा मम्मी जी ठीक है, उनसे अभी हम पूछ के खाना बना देंगे। मम्मी जी एक बात बोले आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मम्मी जी कह रहे थे कि नहान आने वाला है, सोच रहे थे अयोध्या धाम जाके नहान कराएं। क्या बोली, नहान करने जाओगी तुम? मम्मी जी सरयू घाट पे बहुत दिन हो गया नहाए नहीं है, और अभी अभी जल्दी से राम मंदिर भी बना है तो राम मंदिर का भी दर्शन कराएंगे, और नए नए हमारे राम लला भी आए हैं उनके भी दर्शन कराएंगे, और साथ में हनुमान जी बजरंग बली के भी दर्शन कर लेंगे। नहीं 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 तुमको नहीं जाना है, तुम ये घर पे रहो, खाना वाना बनाओ, ये क्या नहाने वहाने की बातें करती रहती हो। मम्मी देखिए हमारा बहुत जाने का मन है, हम जाएंगे। इतनी ठंड में जाओगी, कहीं ठंडी उंडी लग जाएगा बस रह जाओगी, अस्पताल में दवाई करवाते ही फिरना पड़ेगा, फिर हमको ले लेके भागना पड़ेगा इधर उधर। अरे मम्मी जी नहीं बीमार होंगे हम इतने स्ट्रांग हैं कि राम लला के दर्शन कर सकते हैं, और नहान का कोई हमेशा आता है, साल भर पे एक बार आता है नहान। नहीं नहीं तुमको नहीं जाना है, झगड़ा मत करो, नहीं तो अभी उठ जाएंगे, तुमको डंडे से मारेंगे। आप हमें डंडे से मारेंगी? मार लीजिए, ज़्यादा चपर चपर मुँह मत चलाओ, नहीं तो अभी जान लेना। क्या जान लेंगे हम, क्या आप जानना चाहती हैं? आने दो बेटे को, उसको हम सब बात बताएंगे, ये मुझसे झगड़ा करती है और घूमने जाने का प्लान करती है, इसको बस दिन भर घूमना चाहिए। मम्मी जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दिन भर घूमते रहते हैं? घूमने नहीं तो और क्या करने जा रही हो तुम? जा रहे हैं हम, शाम को आएंगे, उनसे हम बात करेंगे और फिर उनके साथ घूमने जाएंगे, मम्मी को नहीं लेकर जाएंगे। चापा रे पाठा रे पास खाली वो चलाने आता है इसको घूमने, नहाने वहाने बताइए, नहाने वहाने हमको जाना चाहिए, किए जाएंगे नहाने, इनकी अभी उम्र नहीं है, राम राम करने का मेरा समय है, घूमने जाती है, राम लला के दर्शन हमारा भी करने का बहुत मन कर रहा है, हम जाएंगे राम लला के दर्शन करने के लिए। राजू गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, आराम से पहुंचना है अयोध्या धाम और चल के राम लला के दर्शन करना है। नहीं नहीं आप एकदम गाड़ी बहुत तेज चलाइए, हमको बहुत जल्दी से अयोध्या पहुंचना है। अरे तुम लोग चुप नहीं रह पाती हो, जहां रहती हो तहां चपर 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 करती रहती हो, गाड़ी चला रहे हैं ना? नहीं नहीं राजू तुम धीरे गाड़ी मत चलाओ, मीडियम से चलाओ, जल्दी जल्दी पहुंचना है हम लोग को। अरे तुम लोग सिर्फ मुंह बंद करके अयोध्या धाम चले, अरे कुछ गाना होना गाओ, अयोध्या धाम जा रही हो, कुछ राम लला के गाना होना गाओ ताकि रास्ता आराम से कट जाए। हाँ हाँ राजू अपनी बीवी से बोलो कि गाना होना गाए, भाभी जी गाना होना गाइए ना थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है अभी गाना होना गा रहे हैं, आप लोग आराम से बैठिए, अभी गाना गाएंगे हम लोग। मम्मी जी आप कुछ गाइए ना गाना कोई अच्छा वाला। तुम नहीं गा पा रही हो गाना, जहाँ देखती हो मम्मी जी गाना गाइए, मम्मी जी ये करिए, मम्मी जी वो करिए, बस मम्मी के ऊपर रहती हो खाली। मम्मी आप हर जगह जाती हैं तो चिल्लाने लगती हैं। क्या चिल्लाने लगते हैं? अरे चुप हो जाओ तुम लोग, जहाँ जाती हो तहाँ चपर चपर, लड़ाई बस स्टार्ट हो जाता, तुम लोग का झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। ये नहीं कि अयोध्या धाम राम लला के दर्शन करने जा रहे हैं तो शांति सुख शांति से जाएं, बस गाड़ी में बैठी है वहाँ भी इन लोग को लड़ाई करना है, महाभारत स्टार्ट कर दी यहीं पे। सबसे पहले लड़ाई मम्मी करती हैं और कोई नहीं स्टार्ट करता है, हम क्या लड़ाई करते हैं, सबसे पहले तुम स्टार्ट करती हो। तुम लोग सिर्फ लड़ाई ही करोगे कि कुछ गाना होना भी गाओगे? ठीक है गाना गा रहे हैं। इतना अच्छा गाना तुम कैसे गा लेती हो यार, मैं तो गाना ही नहीं गा पाता हूँ, क्या मस्त गाना गाई हो। मम्मी थोड़ा तुम भी कोई गाना सुनाओ। हाँ बेटा अभी थोड़ी देर से गाना गा रहे हैं। आंटी जी गाना गाइए, कोई अच्छा वाला आप गाना गाइएगा। राजू मम्मी गाना गाओ ना। Yeah.
राजू की मम्मी क्या गाना गा रही हो यार तुम तो बहू से भी अच्छा गाना गाती हो। अरे हाँ थोड़ा थोड़ा गा लेते हैं कभी कभी। नहीं नहीं एकदम बहुत ही अच्छा गाना था, मुझे तो बहुत पसंद आया। ज्यादा तारीफ मत करिए चाचा जी, ज्यादा तारीफ मत करिए मम्मी की, हमको बहुत जलन हो रही है। तुमको तो जलन होगा ही, तुमको तो बहुत जलन होगा ना मेरे गाने से। चलिए वहीं अयोध्या, जब नहाएंगे तो आप वहीं पर ढकेल लेंगे आपको। देखो बेटा राजू देखो क्या बोल रही है तुम्हारी पत्नी। मम्मी के बारे में ये सब क्या बोल रही हो उल्टा पलटा तुम? ठीक है कोई बात नहीं। जय श्री राम। चलिए अब अयोध्या पहुंच गए हैं, अब जल्दी जल्दी आप लोग उतर के स्नान करिए, उसके बाद फिर रामलला के दर्शन करने मंदिर में चलते हैं। ठीक है बेटा राजू। अरे राजू की मम्मी ये हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं विदेश में आ गए हों। सही कह रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अयोध्या में नहीं विदेश में आ गए हों। मम्मी जी अयोध्या तो एकदम बदल गया है, ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ पे हैं और ये क्या बना है इतना सारा बड़ा सा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। भाभी ये बीड़ा है, बीड़ा जो सरस्वती माता जी बजाती हैं उसको। अच्छा आप लोग ज़्यादा बात और मत करिए और चलिए यहाँ से चलते हैं सरयू घाट, वहाँ पे अच्छे से नहाएंगे, उसके बाद फिर रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को घर चलना है। हाँ बेटा जी जल्दी चलिए आप लोग। अरे भैया जी थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर घूम लेने दीजिए हम लोग को, इतने सालों के बाद आज अयोध्या आए हैं और आप हमें घूमने भी नहीं देते हैं। ए बहू चलो। कहाँ चले, कहाँ? सरयू घाट पे नहाने चले और कहाँ चलोगी? आप लोग झगड़िए नहीं और चलिए जल्दी जल्दी। चलो सब लोग चलो, अब सरयू घाट पे नहाते हैं, उसके बाद फिर रामलला के दर्शन करने चलना है हम लोग को, चलिए नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा वहाँ पे। ऐसा है अब हम लोग सरयू घाट पे पहुँच गए हैं, मम्मी और तुम दोनों लोग जाओ और जल्दी से नहा के आना, ज़्यादा बीच में मत जाना नहाने के लिए, नहीं तो उसी में डूब जाओगे तुम लोग। ठीक है हम ज़्यादा गहरे में पानी में नहीं जाएंगे, इसको समझाओ इसको, ये ज़्यादा गहरे में पानी में नहाने जाती है। हम क्या नहाने जाते हैं, आपने कभी हमको देखा गहरे पानी में नहाने जाते वक्त? मुझे पता है तुम कितने गहरे पानी में नहाने जाती हो, और जल्दी से जाओ और जल्दी से नहा के फिर निकलना। नहीं निकलूँगी मैं खूब देर तक नहाऊँगी, मुझे स्नान घाट करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं यहीं पर नहाऊँगी और कम से कम एक घंटे नहाऊँगी। एक घंटे कोई नहाता है? तुरंत जाओ और 10 मिनट में नहा के निकल के आ जाओ। कहीं ना, हम 10 मिनट में निकल के आना, जा रहे हैं पहले अच्छे से नहाएंगे उसके बाद फिर आएंगे। मैं तो जा रहा हूँ, कम से कम 2-4-10 डुबुक्की लगाऊंगा उसके बाद फिर नहा के आऊँगा। आप नहीं नहाएंगे क्या? नहाऊंगा क्यों नहीं, तुम लोग पहले नहा के आ जाओ उसके बाद फिर हम नहाते हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो नहाने चलो जल्दी चलो। सिया बली रामचंद की जय। राजू की मम्मी तुम लोग कुछ खाना वाना नहीं खाई हो क्या, जो जयकारा नहीं लगा पा रही हो श्री राम का? हम लोग आए हैं इतने सालों के बाद से राम जी का दर्शन करने और तुम लोग जयकारा नहीं लगा पा रहे हो, देख रही हो कितना सुंदर भव्य मंदिर बन गया है, इतना खूबसूरत ऐसा लग रहा है कि हम लोग विदेश में बैठे हो। चलो फिर से जयकारा लगाओ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो और अब एक एक लोग मंदिर में चल के और दर्शन करते हैं रामलला के। हाँ मम्मी जी मुझे तो सबसे पहले जाना है रामलला के अपने दर्शन करने, क्योंकि मैं उनकी तो बहुत बड़ी फैन हूँ। जैसे लग रहा है यही भर रामलला को मानती हैं, मैं नहीं मानती हूँ क्या रामलला को? मैं भी रामलला को बहुत मानती हूँ। हाँ मुझे पता है मम्मी जी आप भी मानती हैं रामलला को, तो चलो दोनों लोग दर्शन करते हैं रामलला के। मुझे भी रामलला के दर्शन करना है, मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाऊँगा उनके दर्शन करके। सभी लोग जल्दी जल्दी दर्शन कर लें, उसके बाद से हम लोग को बागेश्वर धाम जाना है। अभी हम लोग बागेश्वर धाम का सफ़र करेंगे, वहाँ से हनुमान जी के दर्शन करेंगे, सन्यासी बाबा का दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे।
अरे आप ये क्या कह रहे हैं, सन्यासी बाबा के भी दर्शन करने हम लोग को चलना है? अरे मैं तो धन्य हो जाऊंगी सन्यासी बाबा के दर्शन करने करके। मैं तो बहुत दिनों से मन्नत मान के रखा था कि मैं सन्यासी बाबा के दर्शन करूंगा, बागेश्वर धाम जाऊंगा, तो आज मुझे सब लोगों के साथ अवसर मिला है, मैं जाऊंगा जरूर और आप लोगों भी की को भी सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम के दर्शन कराऊंगा। फिर तो बहुत ही मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि पूछो नहीं। मैं तो बागेश्वर धाम के वीडियो देख देख के बहुत बहुत प्रसन्न होता हूँ। वाह बेटा राजू वाह, तुमने तो मनमोहक बात बोल दी। बेटा किसका है, बेटा तो मेरा ही है ना। अच्छा ठीक है, आप सब लोग जल्दी जल्दी रामलला के दर्शन करो, उसके बाद फिर हम लोग बागेश्वर धाम की तरफ निकलते हैं। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हे श्री राम भगवान, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाए रहिएगा, जैसे पूरी जिंदगी दिए हैं मुझे वैसे ही पूरी जिंदगी आप निभाते रहिएगा। हनुमान स्वामी की जय हो। हे श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान स्वामी की जय हो। सीता माता की जय हो। हे श्री रामचंद्र भगवान, मेरे बहू को सद्बुद्धि दीजिए, वो बहुत झगड़ती है, उसको अच्छे से रखिए ताकि वो झगड़ा गुड़ा ना करे मुझसे, बहुत लड़ाई करती है, मैं यही आपसे विनती करना चाहती हूँ। श्री रामचंद्र की जय। बाबा हनुमान स्वामी सन्यासी बाबा हम आपके गोड़ रख रहे हैं, हमारी मम्मी जी को बहुत सही से रखिएगा, वो मुझसे बहुत झगड़ा करती हैं, उनको थोड़ा सा सद्बुद्धि दिए ताकि वो हमसे झगड़ा गुड़ा ना करें। जय जय श्री राम। सब लोग श्री रामचंद्र के दर्शन करके आ गए हैं? हाँ हम सब लोग दर्शन करके आ गए हैं, अब हम लोग चल के कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर घर के लिए प्रस्थान करेंगे। चाचा जी हम लोग को घर पे नहीं जाना है, अब यहीं से हम लोग कुछ खा पी के बागेश्वर धाम के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। अरे हाँ बेटा जी, हम तो भूल गए थे कि हम लोग को बागेश्वर धाम जाना है, तो चलिए चलिए जल्दी कुछ खाते पीते हैं। ठीक है हम लोग कुछ खा के फिर बागेश्वर धाम के लिए निकलते हैं। जो जो हमारा यह वीडियो देख रहा है उनसे जय श्री राम, आप लोग अयोध्या आए और स्नान घाट पे सरयू घाट पे नहाए और भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें और हनुमान स्वामी के भी दर्शन करें। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। अब हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम की वीडियो हम आपको 10 तारीख को देंगे, जो आप लोग बागेश्वर धाम के दर्शन करके वहाँ का भी सन्यासी बाबा का लुत्फ उठाएँ ताकि और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।